खुश रहे खुश रहे खुश रहे खुश रहे। ये कितना टोटल रिजल्ट हुआ था, गिनो गिनो, कितना हुआ? 7-8 रिजल्ट हुआ इसका, 7-8 रिजल्ट। और 2018 में कुछ इसको आइडिया नहीं था यहाँ पे। अच्छा माता जी, आ जाइए आप लोग भी आइए, ले ऊपर ले ऊपर ले। और इधर आ जाओ, और आ गया जी आप इधर। हम देखिए 2018 में इस लड़का को मतलब अचानक 18 तक में इसको कोई मतलब आइडिया नहीं कि कहाँ क्या करना चाहिए क्या। खगड़िया में, मैं खगड़िया के ना, खगड़िया में लाइव सेंटर है, खगड़िया वाले लोग को आइडिया होगा, वहाँ लाइव सेंटर भी है वहाँ पे। तो उस समय नया नया खगड़िया लाइव सेंटर चल था वहाँ पे। तो खगड़िया में लड़का पढ़ा, लाइन से 7-8। अभी पूछे कितना में रिजल्ट हुआ तो गिन रहा था इसे इसे। हमारे पास ये संडे के दिन आए कि सर हम किस में जाए पहले ही बताइए यहाँ पर। लेकिन बाबू को UPSC निकालना है, इसलिए हमारी कोशिश है कि इनको वहाँ भेजा जाए जहाँ पर मेहनत उतना नहीं हो। जॉब में तो मेहनत है, तो इन्फोर्समेंट ED अभी आजकल तो बढ़िया हाल ED आजकल सुन रहे बहुत जबरदस्त इधर उधर, तो इन्फोर्समेंट में है इनका। आप अपना बताइए 18 की स्थिति क्या थी, 18 के बाद कैसे कैसे क्या हुआ यहाँ पे। आप लोग ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप समझिए कि कोई भी इंसान अगर ठान लेना तो कोई भी चीज बड़ी नहीं होती है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदमी अपने सोच से कुछ भी कर सकता है। आदमी को 3 चीज अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। 18 में हमको भारत के उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता था। जब वेंकैया नायडू साहब बने थे तो हम न्यूज में पढ़े, तो उनसे पहले पता चला कि हामिद अंसारी साहब थे, तो मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। आदमी को 3 चीज सुधार करने का जरूरी है। सबसे पहले किसी चीज का नशा नहीं होना चाहिए, तो नशा में दारू सिगरेट यही नहीं आता। अगर किसी को चाय के बिना सर दर्द कर रहा है, इसका मतलब उसको चाय का नशा है। किसी को बात किए बिना नहीं रहा जा रहा, इसका मतलब उसको बात करने का नशा है। हर चीज का नशा है। और इस पे आप कभी ऐसा होने नहीं दीजिए कि हम किसी चीज के बगैर नहीं रह सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप कभी किसी चीज को अपने पे हावी नहीं होने दीजिए। दूसरा, अगर आपको 1 से 10 तक का गिनती भी आ रहा है तो वो भी क्या कहते हैं, किसी को सिखाइए। अगर आपको 10 तक गिनती आ रहा है तो अपने से कम वाले किसी को सिखाइए। अगर आप 1 साल में सक्सेस होने वाले हैं, अगर किसी को सिखा रहे हैं तो आप 8 महीने में सक्सेस करिएगा। आप किसी को पकड़िए, लॉज में किसी को पकड़िए, किसी को भी पकड़िए, आपको जो ही आ रहा उसी को बताइए। हम यही करते थे, जो हमको आ रहा था, जो हम सीख के क्लास से जाते थे और फुल्ली कॉन्फिडेंस से रूम में सबको बताते थे, अपने सब बच्चों बोलते भी आप लोग। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप अच्छा करेगा। और तीसरा, आदमी पॉलिटिक्स में इसमें रहता है, लड़का लड़की जो भी है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। आपका काम है देश को आगे बढ़ाने का, जबकि देश का काम नहीं आपको आगे बढ़ाने का, ये किसी ने कहा था। और हम वो इंसान थे जिसको पहाड़ देख के डर लगता था, लेकिन आज सर के वजह से दशरथ मान जी हैं कि पहाड़ काट दिए। विशेष हम कुछ नहीं बोलेंगे, सर से सीख के बस। आप लोग भी सिखाइए सभी को और सबको आगे बढ़ाइए ताकि देश बढ़े। आप खुद तरक्की करिएगा तो देश ट्रेन की तरह है, आप पीछे हैं। अगर आप पीछे के डब्बे में हैं तो आप बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा अगले डब्बे तक जा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेन को चलाया जाए यानी देश को आगे बढ़ाया जाए तो उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो सब आगे बढ़ सकते हैं। और 18 में अपनी स्थिति और 18 के बाद की स्थिति, 18 में 18 से पहले मेरे टाउन टोला मोहल्ला जितना होता है सभी सोचता इससे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। काहे कि हम पढ़ते ही नहीं थे, सच बता रहे हम कुछ पढ़ते ही नहीं थे। हमको लगता था क्या, एक बार हम जब सब दिन पहला दिन पढ़ना शुरू किए तो हमको जब उस समय तो सोचे कि क्या पढ़ें, तो कभी पढ़ते थे बाबर का बेटा हुमायूं, तो कभी पढ़ते थे अकबर का पिता हुमायूं। हमके किसका पिता कौन, किसका बेटा कौन, हमको समझ नहीं आया।
हमको याद है, हम पहला दिन यही सोचे कि आज हम नेट पे लिख के लिखेंगे किसका बेटा कौन है, और आज वो दिन है और आज है कि हम लगभग जितना एग्जाम दिए सब में 90% 95% से ऊपर लाए। तो बस होना चाहिए, आप हर उस चीज को छोड़िए जो आपको मजबूर कर दे पढ़ाई के खिलाफ, या फिर ऐसा बहुत लोग को चाय अथी करेंगे, अरे चाय नशा करने से अच्छा है कि गांधी मैदान जाइए, 5 किलोमीटर चलिए, दौड़िए, अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो खेलिए, खेल में क्या आगे नहीं बढ़ रहा देश, आज आगे और पूछ रहा है, एज बता दीजिए, एज पूछ रहा है। मेरा एज अभी 23 साल है। तो देश देश को बढ़ाने का काम करिए। पिताजी आपके बॉटनी आप ये बताते हैं हमको खान सर से मिलने का, हमको जॉब होने का उतना खुशी नहीं है जितना हमको अपने पिताजी को खान सर से मिलाने का। सुबह से 2 GB नेट होने के बाद, 2 GB नेट रहता था, अगर खत्म हो गया तो पप्पा फायर, आज कौन खत्म कर दिया नेट। और बॉटनी जो कि बच्चा को समझ नहीं आए, कुछ भी लगा के देख रहे हैं 12 बजे रात तक 11 बजे रात तक। एक बार हमसे मिलने आए यहाँ, तो मेरा रूम यही मुसलमपुर हाट के पास है, तो मिलने आए, तो बार बार आके खान सर के कोचिंग के पास से घूम के जा रहे थे। हम बोले जिस दिन मेरा सब चीज हो जाएगा उस दिन हम खान सर से जरूर मिलाएंगे। और लक्ष्य हमेशा ऐसा रखिए कि आपका उस लक्ष्य के बारे में सोच के रोआ खड़ा हो जाए, ऐसा लक्ष्य रखिए। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, बस कुछ दिन तो पढ़ना है। 18 से अगर 20 में लॉकडाउन 21 में लॉकडाउन नहीं होता तो हमको 1-2 साल पहले जॉब हो जाता। बहुत छटे भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत छटे नहीं है, लेकिन आप 1-2 साल बस अच्छे से मेहनत करिए, रिजल्ट होगा। और वहां से बस यहाँ आने तक का सफर पूरा करने का कोशिश करिए। देखिए घर में ना पढ़ाई का माहौल भी होना चाहिए। इनके पिताजी हैं, हमसे बता रहे थे कि बॉटनी का क्लास देख रहे थे, बताए बॉटनी किस काम, अब उम्र देख रहे हैं इनको कौन सा कंपटीशन की तैयारी करनी है यहाँ पर। लेकिन माहौल होना चाहिए घर में, समझा है ना, ये बहुत बड़ा चीज होता है। माताजी से इनके पूछे कि आप कभी मतलब पढ़ाई के लिए दिक्कत नहीं की, तो ये गार्जियन जितने गार्जियन भी उन सारे गार्जियन को भी कहते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने में आपका भी हाथ रहता है। यहाँ पर आपने बच्चे को यहाँ भेजा, आज लड़के हैं, आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। आप एक गार्जियन के तौर पर दो बातें इन लोगों को कहिए ताकि इनका मनोबल बढ़े, ताकि ये लोग भी बेचारे अपने गार्जियन को छोड़ के आए, समझ में। आप लोग भी ध्यान दीजिए, सब लोग को अपने माता पिता को भी यहाँ लाइए, बोलते 8-8 चीज में नौकरी हुआ है यहाँ पर, आइए छटवाने आए हमारे पास कि सर कौन सा इसमें से ले ले। तो सबसे मतलब अब जैसे दरोगा में बहुत मेहनत है, ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, उसमें और ट्रेनें का उन्हें चल जाएगी। ये सब जॉब जो है ना बड़ा दिमाग पे स्ट्रेस वाली होते हैं सब, यहाँ पर ऐसे नहीं। ED वगैरह है तो थोड़ा बहुत उसके आगे, और अभी 23 साल है, UPSC हम बता रहे हैं ना, यहाँ पर UPSC कन्फर्म लेके आने वाला है। ट्रेनिंग जैसे खत्म हो गया उसके बाद इनको अगला UPSC में। आप थोड़ा सा बताइए, बोल लीजिएगा, घबरा रही हैं? नहीं, हम बहुत खुश हैं सर, इसमें बोल दीजिए। हाँ, कहें हम बहुत खुश हैं अपने बच्चे से। चलिए थोड़ा सा, एक्चुअली क्या हो जाता है स्टेज के बाद, थोड़ा सा आप लोगों से भी हम कहेंगे कि बाबू आप लोग भी अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, और ऐसा नौकरी कीजिए कि हमारे पास लाइए छटवाने के लिए कि सर कौन सा नौकरी ले लें। यहाँ पर मिठाई बाबू को चलिए बाबू ऐसे, और UPSC भी निकाल के लाइएगा तब। अगला नंबर इनका UPSC में, 23 साल की उम्र में 8 नौकरी, सामने आ गया कि नहीं आ गया। और अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, 7-8 नौकरी, 7 कौन सा कम है? और एज देख रहे हैं, एज कितना है? 23 साल, ठीक है। आप लोग से भी हम कहते हैं कि आने वाले वक्त में इनको जोर जबरदस्ती किसी चीज पे नहीं, लड़का को IAS बनाना है, समझ आएगी नहीं आएगा। और नेक्स्ट ये स्टेज इंतजार करेगा इसके लिए। यहाँ पर माता पिता की उम्र ऐसे ही बढ़ जाती है 5-7 साल, 2-4 को बीमारी तो ऐसे भाग जाता है माता पिता का, ऐसे इस बुढ़ापे में और क्या चाहिए किसी माता पिता। तो आप सब लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए जितना जल्दी, हमेशा ये बात बोलते थे आप पढ़िए और जाके लॉज में बताइए, ये बात बोलते थे। और लड़का कितना जिम्मेदारी से, और हमको बड़ा खुशी होता है कि गाँव में बैठा लड़का इस चीज का पालन कर ले रहा, और यहाँ आने के बाद आप लोग को नौटंकी सुझा रहता है।
जितना जानते हैं उतना ही बताइए, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस रहिए, क्योंकि मेहंदी जो दूसरे को लगाता है उसका हाथ खुद लाल हो जाता है। समझा? चलिए बाबू, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ये स्टेज आपका दोबारा इंतजार कर रहा है आईएएस बनकर, ठीक है? चलिए, खुश रहिए, एकदम एकदम आशीर्वाद। आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामना। अब आपका बेटा इतना आगे चला गया, लेकिन हम दोबारा इंतजार करेंगे कि आप लोग इनको एक जिला के मालिक के रूप में लाइए, ठीक है? धन्यवाद। खगड़िया के हैं, पूरा जिला का। ऊपर इधर आए, ऊपर जानते हैं आपको कब? हाँ, इधर देखो, इधर देखो, आप यहाँ आए ना किसके लिए? उसको, मामा जी है तुम्हारा। ओह, इसको भी मिठाई लेके एक अगले साल आना, ठीक है? चलिए बाबू, ठीक है बाबू, खुश रहिए, अगली बार फिर आना है आपको, ठीक है? बाकी आपको बता दिए हैं आगे कैसे कैसे दिखे, ठीक है? दरोगा में बहुत मेहनत में हो जाता है बाबू, ऐसा नहीं हो जाता है यहाँ पे। अब आप बताओ, दरोगा में बहुत स्ट्रेस का जॉब है, स्टेशन मास्टर में भी बहुत स्ट्रेस का। एक को तो पिछले सीबीटी 2 के समय, मतलब इससे पहले जो एसएम वाला था ना, उसमें आ गया और आया, कहा कि सर हमको एसएम बनना है। उस समय क्लास व्लास हो गया, उसके बाद आया कह रहा कि हम रिज्वाइन मार के आए। हम कह रहे तो तुमने काहे मार के चला है, उस पर फाइन लगा था उसको। बहुत स्ट्रेस का काम होता है, आप ऐसे थोड़ी ना कहो इन्हें का ट्रेन उन्हें भेज दीजिएगा, फिर आपका व्यवस्था हो जाएगा। आपका इन ईडी में जॉब हो गया। ईडी क्या होता है? न्यूज खोलना है, न्यूज। बढ़िया बढ़िया लोग को ईडी हिला के रखा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बढ़िया बढ़िया लोग को। चलिए, आप सब लोग को कहेंगे जितना जल्द, हमेशा एक चीज समझाते थे कि नहीं, जो चीज आपको, लेकिन दिक्कत ये होता है ना, गांव गांव का लड़का समझ जाता है, और आप लोग नहीं समझ। इनके पिताजी बहुत सज्जन व्यक्ति, रात को 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब भी आते थे ना इनके पास, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये लड़का यहाँ आ गया, तो घूमते रहते थे कोचिंग के आसपास, कभी कैंपस में कि यहाँ यहाँ। एक बार ये आया था लड़का कि खान सर को मिलने के लिए, तो स्टाफ लोग बोला होगा कि भाई ऐसे आप इंडिविजुअल कैसे मिलेंगे? आप खुद से सोच के देखिए, मतलब आखिर उस तरह से तो बहुत लाखों लोग हो जाएंगे ऐसे। तो बताया इसने कि किसी ने बता दिया, देखो सबसे सिंपल जो तरीका है ना, जल्दी पढ़ो जॉब ले लो। तो उसने हमसे आके चैम्बर में भी यह बात बोला था कि हमको जॉब लेने की खुशी नहीं थी, हमको माता पिता को यहाँ लाना था, ये खुशी थी। चलिए आगे देखते हैं।